Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार मित्रों हम लोग पिछले लेक्चर में सामाजिक इतिहास की बात करते हुए उसमें जाति व्यवस्था की ऊपर जो वैचारिकी का बदलता आयाम रहा है इतिहास लेखन का जो आयाम रहा है उसके बारे में बात कर रहे थे और उस सिलसिले को जारी रखते हुए हम लोग आज सेंसस और जाति प्रथा के बीच के समीकरण को जिस तरह से इतिहास में यह समीकरण बनता आया है उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे यह जैसा कि आप जानते हैं आधुनिक भारत के ऊपर केंद्रित इतिहास लेखन की बदलती हुई प्रवृत्तियों रुझानों पर चर्चा करने के लिए एक लेक्चर सीरीज़ है और पिछले 200 वर्षों में जिस प्रकार जाति व्यवस्था के संबंध में हमारी समझ इतिहासकारों ने बनाई है या समाजशास्त्रियों ने बनाई है उसमें सेंसस की तरफ उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से हमारा ध्यान खींचा है खासकर 1970 के दशक के आसपास के बाद से जो सेंसस का दस्तावेज है उसको लेकर इतिहासकारों के बीच बहुत काम हुए हैं जिसकी अगुवाई हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हिस्टोरियन बर्नार्ड कोहन के कामों में पाते हैं जिसके बारे में संक्षेप में हम चर्चा पिछले लेक्चर में भी कर चुके थे आज हम उसी चर्चा को तफ्तीश से जारी रखेंगे यहाँ उनके काम और बाद में जैसे निकोलस ड का अध्ययन या फिर अर्जुन अप्पा दुरई के काफ़ी विचारों तेजक आलेख इस बाबत हमें मिलते हैं और मैं विद्यार्थियों को आप सबको खासकर इन तीन विद्वानों के हस्तक्षेप की तरफ उनको अधिक पढ़ने की तरफ प्रेरित करना चाहूँगा तो यहाँ असल मुद्दा है कि किस प्रकार से जो औपनिवेशिक राज्य संरचना है उसकी नीतियाँ उसकी गतिविधियाँ इसने जाति के संबंध में हमारी समझ को महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तित किया और इस सब में हमारा ध्यान आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था कानून सेंसस आदि की तरफ जाता है जिसमें यहाँ खासकर मैं जनगणना जो अंग्रेजों के द्वारा शुरू हुई थी उसकी तरफ यहाँ बात करूँगा उसको केंद्र में रख के बात करूँगा वह किस तरह से बात के दशकों में भी पहचान की राजनीति के साथ भी जुड़ जाता है यह भी हम संक्षेप में देखेंगे और यहाँ फिर से पिछले लेक्चर की मैं याद दिला दूँ तो हमने देखा था कि समाजशास्त्री जी एस घुड़िए ने रिसले और सेंसस के प्रोजेक्ट की आलोचना की थी तो कई अर्थों में बर्नार्ड कोहन और वे अपने आलेख में घुड़िए का भी जिक्र करते हैं हमें उन आलोचनाओं के को आधार बनाते हुए भी आगे बढ़ते दिख रहे हैं लेकिन यहाँ हमें एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भों में सेंसस और जाति के बीच हो रहे बनते नए समीकरण की पड़ताल करनी चाहिए और इस व्यापक जो इतिहास का फलक है उसमें दो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं पहला तो आप लोगों को याद होगा कि जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को 18वीं सदी के उत्तरार्ध में सत्रह में बंगाल में दीवानी का अधिकार मिला था और भू राजस्व एकत्रित करने का उनको अधिकार मिला था उसके बाद से लेकर मोटे तौर पे कहें तो 19वीं सदी का पहला हिस्सा वहाँ तक हम जो औपनिवेशिक राज्य की प्रकृति है उसके मुख्य सरोकार हैं उसकी नीति नीतियाँ हैं उन्हें आप एक तरह से कह सकते हैं कि वो भू राजस्व को अधिक से अधिक करने का उनका उद्देश्य था तो एक लैंड रेवेन्यू स्टेट के रूप में हमारे सामने वो आता है जो अंग्रेज अफसर विद्वान लिख रहे थे इस बड़े कालखंड में उसका कहीं न कहीं उद्देश्य एक तरफ तो भारत की में अधिक बेहतर तरीके से राज्य करने के लिए यहाँ के कानून की समझ जरूरी थी और दूसरी तरफ यहाँ के भूमि स्वामित्व से संबंधित जटिलताएं भूमि के मालिकाना हक से संबंधित जटिलताएं वो ये दो बड़े सरोकार थे और इस कारण से भी जो हमने पहले जब प्राच्यविदों के इंटरवेंशंस की बात की उनके इंगेजमेंट की बात की तो यह जो लैंड रेवेन्यू से कंसर्न उससे ऑब्सेस्ड कोलोनियल स्टेट हमारे सामने आता है उसका दूसरा हिस्सा था कि वहाँ इतिहास को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी और राज्य राज्य के तंत्र अंग्रेज अफसर विद्वान भारतीय अतीत को लेकर उसकी समझ को लेकर काफ़ी उत्सुक हमारे सामने नज़र आ रहे हैं लेकिन 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में हम यह जो भू राजस्व से संबंधित सरोकार या इतिहास से सरो से संबंधित सरोकार वह बदलकर औपनिवेशिक राज्य के लिए भारत के लोगों के बारे में भारत की जनता के बारे में अधिक से अधिक जानने की जन से कि जद्दोजहद एक इथनोग्राफिक स्टेट के रूप में हमारे सामने आता है यहाँ जो जानकारियाँ ज्ञान इकट्ठा करने का उद्देश्य अब भारत का अतीत उतना अधिक न रहकर अब भारत का उस समय का जो समसामयिक जो समाज था वह अधिक महत्वपूर्ण हमारे सामने दिखता है अंग्रेज हुकूमत के लिए तो यह जो भू राजस्व के बजाय भारतीय जनमानस के आचरण वो किस तरह से समाज का यहाँ निर्माण हो रहा है सामाजिक संबंध उसके ताने वाने क्या हैं यह अब अधिक तरजीह पाने लगा इतिहास के बदले में इथ्नोग्राफी अधिक महत्वपूर्ण हो गया तो और इस कारण से ही निकोलस डिर्क जिनका नाम मैंने अभी लिया पिछले लेक्चर्स में भी उनके बारे में बात की वे इसे इस समय के औपनिवेशिक राज्य संरचना को इथनोग्राफिक स्टेट का नाम देते हैं और यह खासकर 1870 के बाद से यह और भी तीक्ष्णता के साथ हमारे सामने आता है और तमाम तरह के ऐसे हस्तक्षेपों में ऐसे प्रोजेक्ट्स में सेंसस सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस कालखंड में उभर कर आता है जिसके दीर्घकारी दीर्घकालिक परिणाम हुए यहाँ यह जो जनगणना की बात उसकी अहमियत इसलिए भी है कि अब शासन करने के लिए यह उत्तरोत्तर अधिक स्पष्ट हो रहा था कि समाज की जो अस्पष्ट जो एक अंग्रेज अफसरों के लिए एक अन्य समाज जिस समाज से वो उसके रीति रिवाजों से वे भली भांति परिचित नहीं थे यदि उस पर शासन करना है तो उसके लोगों उस जनता की बेहतर समझ बहुत जरूरी है और यहाँ इस कारण से भी सेंसस महत्वपूर्ण स्थान लेता चला जा रहा है अब जो जिस कारण से जो जिससे जिस जो अहम मुद्दा है यहाँ जिसके कारण सेंसस और जाति का समीकरण या इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है वह यदि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुदीप्त कबीराज के शब्दों को लेते हुए मैं कहूँ तो इससे पहले जनगणना से पहले, पहले भारतीयों की जो आइडेंटिटी अपनी थी अपने संबंध में जो उनके सेल्फ परसेप्शन हुआ करते थे वह यदि विज्ञान की भाषा में कहें तो उसमें एक एम्बीवेलेंस अंग्रेजों को नज़र आता था और सेंसस उस एम्बी जो एम्बीवेलेंस एम्बीवेलेंट आइडेंटिटी था उसके स्थान पर हमारे सामने एक इन्यूमरेटेड कम्युनिटी को स्थापित करता हुआ मिलता है अर्थात एक ऐसा समुदाय जिसमें अनेक किस्म की विविधताएं, संश्लिष्टताएँ हुआ करती थी और जनसंख्या जनगणना के इस प्रोजेक्ट ने उन्हें संख्याओं में तब, तब्दील कर दिया तो यह जो फासला है इसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत है और इस इसकी तरफ बर्नार्ड कोहन ने भी हमारा ध्यान दिलाया है जब वे कहते हैं कि यह यात्रा अस्पष्टता से एम्बीवैलेंस से इन समुदायों की भारतीय जनमानस के एक पहचान की वस्तुनिष्ठता की यात्रा है ऑब्जेक्टिफिकेशन यहाँ हो रहा है उनको खांचों में डालकर उन्हें इन्यूमरेट किया जा रहा है तो सेंसस की जब हम बात करते हैं वो इसलिए भी इस इस ये जो प्रक्रिया है जहाँ एम्बीवेलेंस से हम ऑब्जेक्टिफाइड संख्यात्मक समुदायों की जातियों की अवधारणा की तरफ बढ़ रहे हैं वहाँ वह इसलिए भी जरूरी है कि जब हम आधुनिकता या उपनिवेशवाद की बात करते हैं औपनिवेशिक संरचना की बात करते हैं उनके प्रभावों की बात करते हैं तो यह प्रभाव महज राजनैतिक या आर्थिक जो परिणाम हो रहे हैं प्रक्रियाएं हैं उनके एक बाय प्रोडक्ट के रूप में संस्कृति हमारे सामने तो आ रही है लेकिन महज उतना ही खेल नहीं है जो कुछ हो रहा है वह उससे बहुत संश्लिष्ट हो रहा है और इस संश्लिष्टता का एक सूत्र तो यह है कि हमें देखना होगा कि किस प्रकार औपनिवेशिक शासन के बाद भारतीय न मात्र नए तरीके से अपने आप को देखने लगे थे व्याख्यायित कर रहे थे बल्कि वे जिस तरह से संस्कृति को देखते थे उनका जो संस्कृति के साथ जो नाता था उनकी जो समझ थी वह नजरिया बदल चुका था और यह जो नजरिए में बदलाव है चाहे वह अपने समाज को लेकर नजरिए में बदलाव हो या जाति को लेकर नजरिए में बदलाव हो वहां सेंसस हमारे लिए केंद्रीय भूमिका में नजर आता है पहली बार हम देख रहे हैं कि एक अखिल भारतीय स्तर पर सेंसस ने हर एक को अपने इस फलक्रम में शामिल कर लिया था हर एक से सवाल पूछे जा रहे थे कि उनका धर्म क्या है उनकी जाति क्या है वो वे कौन सी भाषा बोलते हैं उनके परिवार के बारे में उनके व्यवसाय के बारे में और जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उन सवालों को जवाब देते हैं और ऐसे में आप पहली बार उन सवालों के बारे में चिंतन मनन भी करने लगते हैं क्योंकि इससे पहले पूरे भारतीय इतिहास में किसी भी राज्य ने हर जनमानस से उनकी जाति उनके धर्म के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था मुगल साम्राज्य के समय भी इस तरह के सर्वे हुए थे लेकिन उसका मूल उद्देश्य भूमि का जोत को मापना मालिकाना हक के बारे में बातें करना अर्थात भू राजस्व से संबंधित ही आर्थिक विषय से ही संबंधित मुगल साम्राज्य के समय में जो आंकड़े इकट्ठा किया जा रहा था बड़े पैमाने पर आंकड़े इकट्ठा किया जा रहा था लेकिन वे आंकड़े आर्थिक भू राजस्व से संबंधित आंकड़े हुआ करते थे वह वे आंकड़े भारतीयों को उनके पहचान उनके समाज उनके जीवन यापन करने के ढंग उनके व्यवसाय के बारे में नहीं थी। तो पहली बार भारतीय अपने आप को एक तरह से कह सकते हैं कि इन प्रश्नों के जरिए अपने समाज के आईने में खुद को देख रहे थे और इसके लंबे परिणाम हुए जिसकी तरफ कुछ इशारा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था और भी बातें हम अभी करेंगे कि किस प्रकार महज सवाल नहीं पूछे जा रहे थे आंकड़े ही जानकारियाँ ही एकत्रित नहीं की जा रही थी इन एकत्रित जानकारियों को फिर से उस समय के सामुदायिक जो कम्युनिटी के जो सोशल स्टैंडिंग की जो समझ थी उसके आधार पर उस नज़रिए से उन्हें एक खास क्रम में भी सजाया जा रहा था और जिसमें उस क्रम में जो समुदाय जो जाति ऊपर हो अर्थात वह अधिक उसकी सामाजिक स्थिति उसके नीचे के लिखे हुए उस क्रम में उस टेबल में जो नीचे के की जातियाँ हैं उससे बेहतर मान ली गई तो इन एकत्रित जानकारियों को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं किया जा रहा है कौन ऊंची उच, ऊँची जाती है वह ऊपर है जो नीची जाती है वह नीचे है इतना ही नहीं इनकी जो विविधताएं हैं क्षेत्रीय विविधताएं अनेकानेक जातियां हैं उन्हें फिर से एक दूसरे के साथ जोड़कर कर एक कमतर जातियां उनका टेबुलेशन कोलेशन हो रहा है और फिर इनकी पहचान कर इन्हें एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया जा रहा है जैसे यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई ब्राह्मण वर्ग का ब्राह्मण जाति का हो तो वह पूरे भारत में हर कोई जो ब्राह्मण जाति का है उसका पेशा पुरोहित ही हो लेकिन यहाँ ब्राह्मण का पेशा पुरोहिति या इसी तरह से कायस्थ का पेशा इसी तरह से राजपूत का पेशा तो एक तरह से जो विविधताएं हैं उनका सरलीकरण हो रहा है और उनकी जो व्यवसायगत संश्लिष्टताएँ हैं उनको उनका भी सरलीकरण हो रहा है तो और इन्हीं कारणों से आ, हमने देखा कि किस तरह से घूरिये ने रिसले की आलोचना की और बाद में अनेक जाति सभाएं उन्होंने भी सेंसस की पुरजोर आलोचना की और अंत 1931 के बाद जाति और सेंसस जनगणना में जाति संबंधित सवाल हटा दिए गए तो ये जो यह सारा कुछ जब हो रहा है एक इतिहासकार के रूप में हम, हमारे लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेहद महत्वपूर्ण होती है और यहाँ एक बार फिर से मैं यह दोहराना चाहूँगा कि ये जो पूरा कालखंड है 19वीं सदी 18वीं सदी के अंत से लेकर और 19वीं सदी के अंतिम दशकों के तक का 1870 तक का तो इससे पहले भी जब भारतीय जनगणना में पहली पहला भारत का पहला जनगणना 1871 में हो रहा है उससे पहले भी अलग अलग तरह से यह जो इथ्नोग्राफिक राज्य है वह अपने जनता के प्रति जानकारियाँ इकट्ठा कर रहा है अठारह सौ में इस तरह का के जनगणना का एक आदिम स्वरूप पाते हैं 1848 में पाते हैं अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्रयास जहां कि अलग अलग किस्म के की जानकारियां इकट्ठी की जा रही हैं और रिपोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं लेकिन 1850 के बाद से खासकर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से जाति का मुद्दा एक केंद्रीय महत्व का हो गया इसके पीछे अंग्रेजों की एक महत्वपूर्ण जो उन उनका अठारह के प्रति आकलन था उस विमर्श में हम जाति का सवाल अठारह के कारण के रूप में वह महत्वपूर्ण रूप से पाते हैं और यह माना गया कि किस तरह से जो आंदोलनकारी उनके मन में उनकी समझ में अंग्रेजी नीतियों के कारण जो प्योरिटी शुद्धता का पर अटैक हो रहा था जब उन्हें खास तरह के कारतूस जिसे दांत से निकाल कर गोली चलानी होती थी जिसे उनके जाति उनके धार्मिक संस्कारों पर अटैक माना जा रहा था और इस सब ने जो अंग्रेज़ अफसरों और मिशनरियों के मन में यह और भी स्पष्ट कर दिया कि इस सब के पीछे कहीं न कहीं भारतीयों की जातिगत जो रुझान है, उनकी भावना है जाति को लेकर वह रही है और इस कारण से इस जाति संबंधित जो समझ राज्य शासन के लिए अहम माना जाने लगा दूसरी तरफ यह भी स्पष्ट रूप से आया कि यदि इतने बड़े भूखंड पर हमें शासन करना है तो हमें यहाँ की जनता के बारे में गवर्नेंस के अलग अलग जो नीतियाँ हैं उनका सफल कार्यान्वयन हो इस कारण भी जनता की समझ उनके जीवन उनके समुदाय उनकी जाति उनके धर्म उन, उनके शादी उनके रीति रिवाज इनकी समझ जरूरी है लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करना था कि किसी खास जाति का अंग्रेजी सेना में दबदबा न हो जाए कुछ जातियों को कुछ समुदायों को अंग्रेज़ों के लिए बेहतर माना गया सैनिक कार्यों के लिए बेहतर माना गया और कुछ अन्य जातियों को विद्रोह के साथ आंदोलन के साथ अंग्रेजों के खिलाफ होने के साथ जोड़ा गया तो इस कारण से भी यह निशानदेही अंग्रेज सरकार के लिए ज़रूरी थी कि कौन सी जातियां उनके लिए अधिक उपयोगी होंगी उनके सेना में किन जातियों का होना अधिक महत्वपूर्ण होगा तो एक अट्ठारह का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था उसके भय और उस उसकी उससे जन्मे हुए असुरक्षा उसके कारणों को सही तरह से उनका निपटारा हो तो यह एक, एक बात है लेकिन यहाँ साथ साथ दिलचस्प यह है कि जब अंग्रेज अंग्रेजी सरकार या जनगणना करने निकली तो जनगणना को लेकर भी बहुत सारे अफवाह भारतीयों के मन में थे जिसमें यह था कि हर परिवार से एक या दो आदमी को पकड़कर अंग्रेज सरकार लेकर चला जाएगा ब्रिटेन लेकर चला जाएगा अनेक अनेक किस्म की अफवाहें थीं तो एक भय का भी माहौल था ऐसे में बहुत संभव यह भी है कि जो सरकारी अफसर उनके मातहत जिनको यह सवाल पूछने की जिम्मेदारी दी गई थी यह बहुत संभव है कि एक बड़े हिस्से से उन्होंने सवाल न पूछा हो और अपने मन से ही अपनी समझ के आधार पर ही उन्होंने उन सवालों का जवाब दे दिया हो तो यह भी संभव है अब यहाँ देखिए कि जब इस तरह के सवाल हो रहे हैं जिनके बारे में हमने बात की इस तरह से उन्हें एकत्रित जानकारियों को जातियों को ऑर्डर किया जा रहा है एक नए नय, नया पदानुक्रम उनको दिया जा रहा है तो यह बहुत कुछ वैसा लगता है जैसे प्राचीन काल में या मध्ययुग में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं कि अमुक समुदाय को राजा ने खुश होकर उन्हें खास सामाजिक पदानुक्रम दे दिया हो तो यह एक तरह से जो चली आ रही जाति व्यवस्था की संश्लिष्टताएं थीं उनका एक जो एक स्वाभाविक जो ऐतिहास इतिहास में बनती जो और देशकाल क्षेत्रीय विविधताओं के साथ जो बनती बनते हुए समीकरण रहे उसे उसके स्थान पर अब औपनिवेशिक राज्य एक नया परिभाषा नया कलेबर इस व्यवस्था को दे रहा हो तो एक जाति को लेकर एक नई समझ भी इस समय नया ज्ञान इस समय नया विमर्श इस समय स्वरूपित होता हुआ हम देखते हैं और यह जो जो नया विमर्श है हम देखते हैं कि 1850 से लेकर 1950 तक ख़ासतौर पर 1870 से लेकर 1950 तक की यदि बात करें तो भारतीय समाज के ऊपर भारतीय सामाजिक संस्थाओं के ऊपर जाति के ऊपर जो भी महत्वपूर्ण ज्ञान का उत्पादन हो रहा है जो लिख रहे हैं इन मुद्दों को लेकर वे उनमें से एक बड़ा हिस्सा सीधे सीधे इस सेंसस उपक्रमों से जुड़ा रहा या फिर इस सेंसस से एकत्रित हुई जानकारियों को आधार मानकर समाज व्यवस्था के बारे में लिखा जाने लगा तो या तो लेखक अकादमिक अंग्रेज अफसर के जरिए सेंसस की छाप स्पष्ट छाप इस नए समाज व्यवस्था को लेकर हो रहे ज्ञान विमर्श पर पढ़ते हुए हम देखते हैं या फिर यह जो नया ज्ञान हमारे समाज के बारे में निर्मित हो रहा है उसका आधार ही सेंसस उसका स्रोत सेंसस से एकत्रित की गई जानकारियां हैं तो यह जो भारतीय समाज को समझने के लिए यह जो सेंसस की केंद्रीय भूमिका इस समय हमारे सामने आ जाती है जहाँ की सेंसस की जानकारियां आधिकारिक प्रामाणिक तौर पर स्वीकार की जाने लगी और यह महज इसी कालखंड की बात नहीं है आज भी जो भारतीय समाज व्यवस्था को समझने के लिए इन आंकड़ों का उस सामाजिक इतिहास को समझने के लिए इन आंकड़ों की अहम भूमिका हमारे सामने है किस कोई भी सामाजिक इतिहासकार इन सेंसस के आंकड़ों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं तो यह सेंसस भारतीय समाज व्यवस्था का आधिकारिक और प्रमाणिक दस्तावेज हो गया लेकिन यहां हर किसी को हर कोई जाति को शामिल नहीं किया गया जैसा कि हमने देखा कि जातियों को समूहों में इकट्ठा कर फिर उनका उन्हें उनका टेबुलेशन हो रहा है उनका लिस्टिंग किया जा रहा है तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि जिस जाति में अधिक लोग होंगे उनका प्रतिनिधित्व सेंसस में होने की संभावना अधिक है जिन जातियों में कम इंट्रीज होंगे बहुत कम इंट्रीज होंगे उन्हें एक साथ कर दिया गया तो ऐसे में भारतीय जनमानस में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जैसे छवियाँ जैसे पद उत्तरोत्तर बहुत क्रूसियल होते चले गए और प्रजातांत्रिक इतिहास की तरफ यदि देखें डेमोक्रेसी के हिस्ट्री की तरफ तो वहाँ यह जो पहचान की राजनीति में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक इसके रूढ़िगत मायने इसके अपने भय रहे हैं इसके डेंजर्स हैं तो हर जाति अपने को सेंसस में शामिल करने के लिए बहुसंख्यक बहुसंख्या में अपना प्रतिनिधित्व करने की आकांक्षा में लग गया तो यह जो संख्या का महत्व है यह जो इस जनगणना में इससे उपजे हुए जाति के पहचान में आइडेंटिटी के पहचान में हमारे सामने आता है इसको किस प्रकार से देखें और यह सवाल अर्जुन अपादुरई इसकी पड़ताल के साथ हमारे सामने आते हैं और वे बताते हैं कि यह जो चाहे वह भू राजस्व से रिलेटेड जो संख्यात्मक जानकारियां हों या फिर अलग अलग तरह के कैडेस्टल सर्वेस हों या जनगणना में जनगणना की बात हो तो यह जो सांख्यिकी का की जो केंद्रीय भूमिका जिस तरह से राज्य के लिए अहमियत यहाँ भारत में देखते हैं औपनिवेशिक संदर्भ में देखते हैं यही इसी तरह का रवैया हम यूरोप में नहीं पाते हैं यह अपने आप में जैसा मैंने पहले भी कहा कि मुग़ल साम्राज्य में भी सांख्यिकी संख्या संख्या को लेकर इंगेजमेंट है लेकिन यहाँ पहली बार इस तरह से जहाँ लोगों को शामिल किया जा रहा है लोगों के रीति रिवाज उनके व्यवहार को संख्या से में तब्दील की जा रही है यह पहली बार इस औपनिवेशिक समाज में हो रहा है जब ब्रिटेन या फ्रांस में इस तरह के उपक्रम हुए तो वे निर्धनों की पहचानदेही या विक्षिप्तों की पहचानदेही के लिए किया जा रहा था अर्थात ऐसे लोगों की पहचानदेही निशानदेही जो कि सामान्य से अलग हूँ, जिन पर अधिक सूक्ष्मता से निगरानी करने की ज़रूरत वहाँ के राज्य व्यवस्था को गवर्नेंस को महसूस होती थी लेकिन जब आप एक समाज के पूरे हिस्से को पूरे समाज को इसमें शामिल कर लेते हैं तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूरे समाज को कहीं न कहीं अपने से भिन्न समझ रहे हैं जिसके बारे में आपकी समझ नहीं थी और उसकी विशेषताएं विविधताओं को आप समझने की यह कोशिश में लग जाते हैं तो पूरा का पूरा समाज एक अन्य के रूप में अंग्रेजी उस मनोवृत्त में हम उस राज्य व्यवस्था के उपक्रम में हम पाते हैं तो जब और फिर जब इन क्षेत्रीय विविधताओं को अखिल भारतीय स्वरूप दे दिया जा रहा है और उसके आधार पर उनका सामाजिक पदानुक्रम तय किया जा रहा है उस जाति को सेना में शामिल किया जाता है या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय लिए जाते हैं तो हम बहुत तेज़ी से अलग अलग तरह के सामाजिक आइडेंटिटी जा जातिगत आइडेंटिटी को लेकर दावे प्रतिदावों को पाते हैं यही वह दौर था जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब अलग अलग क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर का दावा करते हुए जाति सभाएं इमर्ज करने लगती हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने जाति की रक्षा अपने जाति के पहचान की रक्षा अपने जाति के को अखिल भारतीय स्तर पर उसके सदस्यों को एक दूसरे से जोड़ने की इच्छा संगठनात्मक एनर्जी देना हो जाता है जिससे कि उनके जाति के लोगों को सदस्यों को किसी प्रकार की सुविधा से वंचित ना रह जाना पड़े तो यह जो एक आइडेंटिटी क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो अखिल भारतीय स्तर पर एंजाइटी, चिंता सरोकार स्वरूपित होने लगते हैं यह सब कहीं न कहीं इस सेंसस की तरफ उस इतिहास की तरफ ले जाता है यही वह समय रहा है जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब इन जब प्रिंट संस्कृति आकार ले रही है पत्रिकाएं निकल रहे हैं पत्र पत्रिकाएं निकलने लगे हैं और ये पत्र पत्रिकाएं अंग्रेजी और भर्नाकुलर दोनों ही भाषाओं में हैं क्षेत्रीय भाषाओं में हैं और यहाँ इन सेंसस से एकत्रित की गई जानकारियों इससे जो बनी हुई हमारी सामाजिक समझ जाति के प्रति समझ उन उन उनसे संबंधित लेख लिखे जा रहे हैं और इस सब का एक मिला जुला असर हम अगले डेढ़ सौ सालों में समाज व्यवस्था के प्रति बनती हुई नई समझ जाति के राजनीतिकरण के रूप में भी हम पाते हैं अलग अलग ये जो जाति सभाएं थीं वे हैंडबिल्स जनसं जनगणना होने से पहले हैंडबिल्स छपवा कर लोगों को अपने जाति के लोगों को आग्रह करते थे कि उन्हें किस प्रकार के सवालों का क्या उत्तर देना होगा जिससे उनके जाति हित का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व हो सके तो इस सब से एक ऐसी मानसिकता एक ऐसा माहौल हमारे सामने बनता चला जा रहा है जहाँ प्रजातंत्र का समाज में समाज का जो मौलिक अधिकार मौलिक आधार इंडिविजुअल न होकर व्यक्ति न होकर अलग अलग जातियों में बटा हुआ बटी हुई जनता हो गई अलग अलग ब्लॉक्स आप कह सकते हैं डेमोक्रेसी के प्राइमरी यूनिट्स इंडिविजुअल न होकर जो कि यूरोप या दूसरे जगहों में हम पाते हैं यहाँ ये छोटे छोटे वोट बैंक्स हो गए ये ये जो समूहगत इकाइयाँ कलेक्टिव यूनिट्स हो गए और इस सब का हमारे जाति के समझ जाति के इतिहास को लेकर जो में रहा और प्रजातंत्र की समझ प्रजातंत्र की गतिविधियाँ हर क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा इस लेक्चर का उद्देश्य इस मंजर के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना था किस तरह से ये सभी तार अंग्रेज़ों की नीतियों और उनके जनगणना संबंधित जो इंटरवेंशंस हैं उनसे जुड़ जाता है किस तरह से जाति और जनगणना में इसका शामिल होना गवर्नेंस का इशू हो जाता है इन मुद्दों पर हमने को रेखांकित करने का प्रयास किया इसके अलग अलग पहलुओं को सामने रखने की कोशिश की जाहिर सी बात है कि जैसा मैं कहते आया हूँ कि ये विषय संश्लिष्ट हैं इनमें से हर मुद्दे की गहरी समझ के लिए वह एक लेक्चर में संभव नहीं है और इस कारण से भी मैं पुनः एक बार आप सबको इस तरफ इशारा करूंगा कि आप यदि इस विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो जिन तीन और भी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इसके अलग अलग क्षेत्रीय पक्षों के ऊपर बंगाल में असम में महाराष्ट्र में मद्रास प्रोविंस में हर इलाके में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हर इलाके में इन प्रश्नों के साथ सेंसस और जाति के इतिहास के बीच इतिहासकारों ने काम किया है लेकिन कम से कम बर्नार्ड कोहन निकोलस टक्स अर्जुन अपादुरई आदि के कामों को आप ज़रूर पढ़ें यहाँ यदि एक व्यापक स्तर की बात करें तो जो अप्रोच की बात करें तो हम पहली बार पाते हैं 1970 के बाद से और बर्नार्ड कोहन या निकोलस डर्क के कामों से कि मिसेल फूको की जो राजनीति की अवधारणा 1970 से बनी और जिस तरह से उसने इतिहास लेखन और समाज विज्ञान को प्रभावित किया जहाँ वे राजनीति के अलग अलग सूक्ष्म तरीकों की बात की तरफ हमारा इशारा करते हैं नए किस्म के टेक्नोलॉजीज़ ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं किस तरह से आधुनिक राज्य अपने जनता पर अपने समाज पर शासन करने की नई नई तकनीकी के साथ पिछले 400 सालों में सामने आया है उन वे जो बड़े सवाल वैश्विक स्तर पर खासकर यूरोपीय समुदाय यूरोपीय इतिहास के संदर्भ में जो मिसेल फुको उठाते आए हैं जहाँ वे गवर्नमेंटैलिटी की बात करते हैं कि किस तरह से ये जो टर्म है गवर्नमेंटैलिटी वे बताते हैं कि किस तरह से यूरोप में ज्ञान मैनेजमेंट और सांख्यिकी के बीच का के समीकरण के जरिए हम ये जो पिछला 300 साल 400 साल का जो गवर्नेंस का हिस्ट्री है एक नया मॉडल हम देखते हैं वहाँ से अंतर्दृष्टि लेते हुए औपनिवेशिक जो राज्य की संस्थाएं हैं उसके जो इंटरवेंशंस हैं उसकी जो नीतियां हैं उन सूत्रों के जरिए भी यह इतिहास लिखने की कवायद है तो एक तरह से कहें यहाँ सामाजिक इतिहास दावे प्रतिदावों के इतिहास के रूप में हमारे सामने आता है उस तरह के छोटे छोटे जो गवर्नेंस के टेक्नोलॉजीज की तरफ हमारा ध्यान खींचता है जिसका सीधा प्रभाव सामाजिकता सामाजिक संस्थाओं के इतिहास सामाजिक मान्यताओं के साथ जुड़ जाता है इस यह इतिहास सामाजिक आचरणों के साथ जुड़ जाता है जहाँ मैंने कहा कि किस तरह से आइडेंटिटी एक नई पहचान के रूप में लोग समाज हमारे सामने आते हैं इसका दूसरा जो बड़ा हिस्सा है इस इतिहास का वह एडवर्ड सईद की जो ओरिएंटलिज्म संबंधित अवधारणाएं हैं जहां यूरोपीय औपनिवेशिक राज्य एक खास किस्म से प्राच्य समाज को नौ मात्र देखता है बल्कि वह देखना उसके रवैये में उसकी लिए अपनाई गई नीतियों में भी परिलक्षित होने लगता है जैसा कि हमने देखा कि जब भारतीय समाज से अंग्रेज और अंग्रेजी राज्य रूबरू हो रहा था तो विविधताओं को एम्बी बैलेंस को समझने के लिए यह जो राज्य का तंत्र है उसने समाज को लोगों को एग्जोटिस किया उन एक अजूबे की तरह उनके लिए भारतीय समाज नज़र आ रहा था और इसकी जटिलताएं इसके पहली नुमा स्वरूप के पीछे इन विद्वानों का इन अफसरों का दिमाग जाति प्रथा की तरफ खींचता चला गया और फिर हमने देखा कि किस तरह से इस जाति प्रथा को बेहतर तरीके से इसकी गणना के लिए करते हुए एक नई किस्म की समझ एक नया किस्म का पहचान एक नए किस्म के समाज के बारे में ज्ञान हमारे सामने आता चला गया तो यहाँ जब हम यह सामाजिक इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय सामाजिक विविधताएं तो एक तरफ हैं ही लेकिन इनके साथ साथ जिस तरह से औपनिवेशिक राज्य अंतक्रियाएं करता है उस अंतक्रियाओं को समझना बेहद जरूरी है बगैर उन अंत क्रियाओं के जो राज्य आधुनिक राज्य और भारतीय समाज के बीच के संवाद से हो रहा है बगैर इस संवाद के बगैर इस अंतक्रिया के हम सामाजिक इतिहास की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं बना सकते इसलिए इन अंत क्रियाओं पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है खासकर जब हम आधुनिक या औपनिवेशिक काल की बात कर रहे हैं जो कि हमारे इस लेक्चर सीरीज़ का मुख्य बिंदु है तो ये बात हुई सेंसस और जाति के बीच के समीकरण बनते बिगड़ते समीकरण की अगले लेक्चर में हम इसी तरह से सामाजिक इतिहास के एक नए बिंदु एक नए मुद्दे के साथ आपके साथ फिर से आएंगे चर्चा करने तब तक के लिए शुक्रिया